अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज हम बहुत ही खूबसूरत बेबी फ्रॉक बनाने लगे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये हमने एक कपड़े का पीस लिया है, इसे हम अपनी पेटी कट करेंगे। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे जो हमें 4.5 इंच पर लगाना है, और अब हम अपने कंधे का निशान लगाएंगे जो हमने 5 इंच पर लगाना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अपने कंधे को गुलाई में शेप देते हुए नीचे की तरफ फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिटिंग का निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कंधे और फिटिंग के निशान को आपस में मिलाते हुए हम अपनी पेटी को कट कर लेंगे, और अपने कंधे को हमने गुलाई में शेप देते हुए कट करना है। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब ऊपर की साइड हम तिरछा कट करेंगे। अब हम अपने फ्रॉक के घेर की कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई मैंने 12.5 इंच रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस पार्ट को अलग कर लेंगे डबल फोल्ड करके। इसी तरह हम दोनों पार्ट कट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। पेटी कट करते वक्त मैंने उसकी लंबाई 10 इंच रखी थी। आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये फ्रॉक हम चुनर डालकर बनाएंगे, और इस पर हम रेड कंट्रास्ट करेंगे। अब हम अपनी फ्रॉक के बाजू कट कर लेंगे, जिसकी लंबाई मुझे 10 इंच चाहिए। नीचे की तरफ 3 इंच पर निशान लगाकर सिंपल तरीके के साथ हम अपने कंधे की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने कंधे की कटिंग कर ली है। अब हम अपने बाजू को हल्का सा फिटिंग में कट कर लेंगे, और कंधे के सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। ये हमने कंट्रास्ट कपड़े का एक पीस लिया है, इसको हमने जोड़ लगाकर इसकी लेंथ बढ़ा लेनी है। अगर आपके कपड़े की लेंथ वैसे ही ज़्यादा है तो आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। और इस कपड़े की चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है, जो फोल्ड होने के बाद 3 इंच रह जाएगी। ये देखिए जो हमने पेटी कट की थी, इसके सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे, और हमने एक गोल गला कट किया है, उसको हम सेंटर में रखते हुए प्रेस कर लेंगे। आप अपने गले को कोई भी शेप दे सकते हैं। ये हमने अपने गले को प्रेस कर लिया है। हमने बुकरम की एक पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। इसको हम कंट्रास्ट कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे, और एक साइड से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और पट्टी की दूसरी साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इस पट्टी से हमने तकोन तैयार करनी है। अब हम पट्टी से 2-2 इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और नीचे की तरफ भी 2 इंच पर निशान लगाकर और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हम अपनी तमाम पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इनसे हमने तकोन तैयार करनी है। पट्टी को एक साइड से पकड़ते हुए हमने सेंटर में फोल्ड कर लेना है, और दूसरी साइड पर भी इसी तरह फोल्ड करके एक तकोन तैयार कर लेनी है। इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। इसी तरह हम तमाम तकोन तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम तकोन तैयार कर ली हैं। अब इससे हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह हमने बिल्कुल साथ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तमाम तकोन हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये हमने अपनी तमाम तकोन कट कर ली हैं। अब हमने जो 6 इंच की पट्टी कट की थी, उसको हमने ओपन साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हमने अपनी पट्टी को सीधी साइड पर फोल्ड कर लिया है। अब इसकी सिलाई को सेंटर में रखते हुए हमने इसको प्रेस कर लेना है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए हमने अपनी पट्टी को प्रेस कर लिया है। अब हम अपने गले को स्टिच कर लेंगे बिल्कुल गुलाई में शेप देते हुए। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम अपने गले पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे, और इसको सीधी तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। हमने अपने गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हमने इस पर तकोन अटैच करनी है। तकोन अटैच करते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि ऊपर की तरफ सिलाई का मार्जिन ज़रूर रखें, ताकि जब हम अपने कंधे की सिलाई लगाएं तो हमारी तकोन सिलाई में नहीं आनी चाहिए। इसी तरह हम बिल्कुल साथ रखते हुए दूसरी तकोन अटैच कर लेंगे। हमने तमाम गले पर सेम तरीके के साथ तमाम तकोन अटैच कर लेनी है। ये हमने तमाम तकोन अटैच कर ली हैं। अब बाहर की साइड हम हाफ पाँव की एक और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों साइड से हम अपने कंधे को स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हम अपने बाजू तैयार कर लेंगे। अपने बाजू पर हमने कंट्रास्ट पट्टी अटैच करनी है। ये देखिए हमने कंट्रास्ट पट्टी कट की है, जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच लेनी है। इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है, और पट्टी की ओपन साइड को बाजू की उल्टी साइड पर रखते हुए एक पाँव की हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह दूसरे बाजू पर भी हमने कंट्रास्ट पट्टी अटैच कर लेनी है, और एक पाँव की सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई लगाने के बाद हमने अपनी पट्टी को बाजू की सीधी इस तरफ फोल्ड कर लेना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमने पट्टी की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने अपने दोनों बाजू पर पट्टी अटैच कर ली है। कंधे की साइड हमने चुनर डालने हैं, इसलिए हम अपनी सिलाई को बड़ा करके अपने कंधे को स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हम अपने दूसरे कंधे पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब ऊपर वाला धागा खींचकर हम अपने बाजू पर चुनट डाल लेंगे। ये चुनट हमने कंधे के सेंटर में डालने हैं। दोनों बाजू इसी तरह हम अपने तैयार कर लेंगे, जितना हमने कंधा रखना है उसके मुताबिक। ये देखिए हमने चुनट डाल लिए हैं। अब हम अपने बाजू को पेटी के साथ अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम अपने दोनों बाजू पेटी के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने बाजू पेटी के साथ अटैच कर लिए हैं और सेंटर में हमने चुनट डाले थे। अब हम अपने फ्रॉक के घेर को सिंपल तरीके के साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब हमने जो पट्टी तैयार की थी इसको हमने अपने घेर पर अटैच करना है। इसके सेंटर में सिलाई लगाते हुए हमने प्लेट्स डालनी है। इन प्लेट्स में हमने थोड़ा फासला ज़्यादा रखना है ताकि बाद में हम इसमें फ्लावर अटैच कर सकें। तमाम प्लेट्स के दरमियान हमने बिल्कुल बराबर फासला रखना है। आप चाहें तो ये पट्टी नेट की भी तैयार कर सकते हैं और इस पट्टी की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने तमाम घेर पर प्लेट्स डाल लेंगे। हमने तमाम प्लेट्स डाल ली हैं। ये देखिए इस सेंटर में सिलाई लगाते हुए अब हम अपनी सिलाई को फुल बड़ा कर लेंगे ताकि हम अपने घेर पर चुनट डाल सकें। ये सिलाई लगाने के बाद हाफ पाँव की एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे अच्छे से चुनट डल सकें। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों सिलाई के ऊपर वाले धागे को पकड़कर हमने खींचना है और अपने घेर पर चुनट डाल लेने हैं और हमने इसको अपनी पेटी के बिल्कुल बराबर कर लेना है। अब हमने सीधी साइड को अपनी पेटी की सीधी साइड पर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारी बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर आनी चाहिए जो हमने चुनट डालते वक्त लगाई थी। दूसरे घेर को भी हमने इसी तरह अपनी पेटी के साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट अपनी पेटी के साथ अटैच कर लिए हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हमने अपने फ्रॉक की बैक पट्टी तैयार करनी है। हमने सेंटर में एक कट लगा लिया है और पट्टी के सेंटर में भी हमने एक कट लगा लिया है। अब पट्टी की सीधी साइड को पेटी की सीधी साइड पर रखते हुए हमने एक पाँव की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके कॉर्नर में हमने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं और इसको उल्टी साइड पर फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसकी किनारी पर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हमने प्रेस करके तुरपाई कर लेनी है। ये हमने दो डोरियाँ तैयार की हैं अपनी फ्रॉक की फिटिंग के लिए। अब हम अपनी फ्रॉक की फिटिंग कर लेंगे। हमने निशान लगाकर फिटिंग करनी है। आप चाहें तो अंदाजे के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। अब हमने अपनी फ्रॉक के लिए फ्लावर तैयार करने हैं। कोई भी आप गोल चीज़ ले सकते हैं, उसको रखते हुए आप गुलाई में निशान लगा लें और इसको गुलाई में कट कर लें। व्यूअर्स कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए हमने गुलाई में कपड़े को कट कर लिया है। अब इससे हमने फ्लावर तैयार करने हैं। प्रिंटेड कपड़े से भी हमने छोटे फ्लावर तैयार करने हैं। सेम उसी तरीके के साथ हम इसको गुलाई में कट कर लेंगे। ये देखिए हमने गुलाई में कट कर लिए हैं। अब हमने जो गोल पीस कट किए हैं उसको हम स्टिच कर लेंगे। हमने ये बड़े बड़े टांके लगाते हुए इनको स्टिच कर लेना है सुई की मदद से। व्यूअर्स, अगर आप मज़ीद फ्रॉक डिज़ाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल का विज़िट करके देख सकते हैं। ये देखिए हमने अपने पीस को चारों साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम अपने धागे को खींच लेंगे और इसको फ्लावर शेप देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम इसको सीधा करते हुए फ्लावर शेप देंगे। इसी तरीके के साथ हम अपने तमाम फ्लावर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम फ्लावर तैयार कर लिए हैं। सेम इसी तरीके के साथ हम अपना बड़ा फ्लावर भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने बड़ा फ्लावर भी तैयार कर लिया है। इसकी शेप कुछ इस तरह से आई है। इन तमाम फ्लावर को हम अपनी फ्रॉक की पट्टी पर अटैच कर लेंगे। इसके साथ हमने पल्स भी लगाने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हम तमाम पट्टी पर अपने फ्लावर को अटैच कर लेंगे, जिनकी शेप तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी तमाम फ्रॉक पर फ्लावर अटैच कर लिए हैं। फ्लावर अटैच होने के बाद हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेहबान।